माइलस्टोन जूनियर में शनिवार को नाइट कैंप का आयोजन किया गया। माइलस्टोन की डायरेक्टर डॉक्टर ममता शुक्ला ने इस आयोजन को बहुत ही सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया। बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने पूरे माइलस्टोन परिवार को एक साथ बैठाकर बच्चों को किस प्रकार से नुकसान हो सकता है सभी को बारीकी से समझाया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक एक जगह का उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जब वे तैयारियों को लेकर संतुष्ट हुई तभी उन्होंने आगे बढ़ने की अनुमति दी। नाइट कैंप के लिए सर्वप्रथम शाम 4 बजे बच्चे विद्यालय पहुंचे। उन सभी बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। फिर बच्चों को घूमने के लिए सूर्या मॉल लेकर जाया गया। वहां पहुंचकर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के गेम्स खेले और मनोरंजन किया। सभी बच्चे प्रिंसिपल मैडम हेमा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में इस प्रोग्राम को काफी इंजॉय कर रहे थे। बच्चों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की और फ्री होकर डांस भी किया। मॉल विजिट के बाद जब बच्चों ने विद्यालय में प्रवेश किया तो ढोल नगारों की धुन पर उनका स्वागत किया गया। फिर बच्चों ने ढोल के साथ भी खूब डांस किया। विद्यालय आने वाले सभी बच्चों को आसमान में मून और गैलेक्सी दिखाया गया। बच्चे आसमान में चांद और सितारे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बच्चे अपने अपने टीचर्स के साथ में इस सुंदर आसमानी नजारे का भरपूर आनंद उठा रहे थे और उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा भी। माइलस्टोन स्कूल में कोई भी कार्यक्रम ऐसे ही सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर मनोरंजन के साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अब तक भोजन का समय हो चुका था। सभी बच्चों के लिए डिनर की व्यवस्था थी। सभी बच्चों ने अपने अपने ईश्वर से पहले प्रेयर किया फिर डिनर किया। बच्चों ने अपनी अपनी मैडम के पास रखे नाइट ड्रेस पहने और सोने के लिए तैयार हुए क्योंकि रात बढ़ने लगी थी और उनका सोने का समय भी हो गया था। सभी बच्चे अपने घर से अपने लिए ब्लैंकेट टेडी और पिलो लेकर आए थे। सोते समय सुंदर सुंदर परियों ने जादू की छड़ी घुमाई लोरी गाई और डायरेक्टर मैडम डॉक्टर ममता शुक्ला ने भी बहुत प्यारी प्यारी परियों की कहानियां भी सुनाई। बच्चे इन कहानियों में ऐसे डूबे कि इन कहानियों को सुनते सुनते सोने लगे और उसके बाद इस आयोजन का समापन हुआ। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।